सुप्रीम कोर्ट की जो भावना है उसके अनुरूप सरकार को बताना चाहिए हमें क्या करना है। ओके, यूपी का जो मामला था वो अलग मामला था, वहां पर जो राजनाथ सिंह जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, ये मेंबर पार्लियामेंट थे या केंद्रीय मंत्री भी थे, और लखनऊ में इनको एक बंगला मिला हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, दो दो बंगले थे इनके पास में, वहां से ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद में कानून पास किए गए अलग अलग तरीके से, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको माने नहीं किया। आज अगर देश में कानून का राज रखना है तो कानून क्या कहता है, जुडिशी क्या फैसला देती है, उस पर पूरे देश को चलना पड़ता है और चलना चाहिए, तभी कानून का राज रहेगा। हम ये बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन एंसर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो जुडिशरी का फैसला होगा वो शिरोधारी होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो सर, जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार चैलेंज नहीं करने जा रही है हाईकोर्ट के डिसीजन? सरकार तो पूरी कैबिनेट होती है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी भावना ये है कि इसमें एक बार जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अन्य फैसलों में, तो बाकी क्या करते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी ये होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला खाली होगा आपने? उसका जवाब देता हूँ, पूरे कंट्री के अंदर केंद्र के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट जीत के जाते हैं, चाहे वो राज्य में रहे हों मंत्री या मुख्यमंत्री, चाहे वो केंद्र में मेंबर पार्लियामेंट बने हों एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, तो बंगलों का जो आवंटन होता है वो शुरू होता है, तो कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ठीक है। उसी रूप में राज्य के अंदर ध्यान रखा जाता है कि कौन पूर्व मंत्री है, कौन सीनियर एमएलए एमपी रहा हुआ है, उस ढंग से प्रयास होता है कि आप बंगले का उनको आवंटन करो। जरूरी नहीं है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें रहती है बंगला है, वो दो बार मुख्यमंत्री रही है, वो जरूरी कि ये जो फैसला हुआ उससे कोई उसका बंगले को खाली करवाने का कोई लिंक हो, कोई लिंक नहीं होता है। सरकार फैसला करेगी कि हमें जो हमारी पॉलिसी है सीनियर्स को बड़ा बंगला देने की, उसके अंतर्गत क्या होगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बहुत उपाय बताए कि राज्य पहला नंबर पर है अपराध नियंत्रण में, क्राइम में, तो जो सीसीटीवी कैमरे हर कोने हर जगह और हिडन कैमरे साथ में और उनकी मॉनिटरिंग, जैसे कैमरे अपराधी खराब नहीं करते अपराध करने से पहले, कैमरा सीसीटीवी कैमरे अत्याधुनिक हर एरिया में हर कोने में और थानों के बाहर भी लगे हुए हैं? नहीं लगे नहीं सर, जब तो लगे हुए नहीं है, लगवा रहे और उनकी मॉनिटरिंग साथ में, और हम लोग लगवा रहे कैमरे को। राजस्थान को हम चाहेंगे